आज जो है मम्मी जी पापा जी इंडिया जा रहे हैं। हाय हाय। 3 महीने निकल गए ऐसे कि पता ही नहीं चला। बाय बाय। अनिका की फ्रेंड मिल गई। अरे अनिका हमारी। हाय। हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। और आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं ये व्लॉग किस चीज़ के ऊपर है, और अभी देखते हैं कौन कौन साथ में है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मम्मी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबू जी। गुड मॉर्निंग भाभी। अनिका, ये अनिका अपनी BMW पे बैठ के निकल गई। आज जो है मम्मी जी पापा जी इंडिया जा रहे हैं, और अनिका ने बोला वो अपनी गाड़ी से जाने वाली है डायरेक्ट एयरपोर्ट पे। हम सब रेडी हैं जाने के लिए, और पता ही नहीं चला कब 3 महीने कंप्लीट हुए यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा। मम्मी जी से पूछे कैसे लगा मम्मी जी 3 महीने कैसे बीत गए? 3 महीने तो बढ़िया बीत गए, इसीलिए छोड़ कर थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अनिका अपना फेस। हाय फ्रेंड। आगे 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 आगे। हाय हाय अनिका चा। आई एम रेडी। पियानो बजा रही है आपके लिए एक गाना। ओ नो, करे करे करे। वाओ अनिका। वाओ। इसका सॉन्ग। हाय। हाय। और मम्मी यहाँ पे रेडी, एक गाड़ी दो गाड़ी तीसरी अनिका। ठंड हो रही है अनिका? सामुई। सो हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। हमारी गाड़ी में सारा लगेज, पापा जी, मम्मी जी, अनिका, भाभी, भैया सब आगे वाली गाड़ी में है। हमारा आगे चलो देखो ये वाली गाड़ी सामने। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो लोग जा रहे हैं, और उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी जी पापा जी को कि वो जा रहे हैं। ऑफ कोर्स है ना, 3 महीने निकल गए ऐसे कि पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गए। मतलब एंजॉय किया, सब हुआ अच्छे से, सब अच्छे से, सारे काम हुए, सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करें। बस दिवाली भी हम चाहते थे हमारे साथ सेलिब्रेट हो, बट वीजा के चक्कर में 3 महीने का होता है ना, तो फिर हम पहले जल्दी आगे थे, इसलिए थोड़ा जल्दी पहले जाना पड़ रहा है। यस, नहीं तो उनका भी मन था, हमारे भी मन था, हम साथ में दिवाली सेलिब्रेट करें। सारी पैकिंग वैकिंग कर, आपने देख लिया पीछे सारे लगेज रखे हैं। बाकी तो हम पहुँचने वाले ही होंगे कुछ टाइम में, यहाँ से थोड़ा दूर है एयरपोर्ट। और आज तो धनतेरस भी है, सो हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। दिवाली शुरू हो चुकी है, आई होप आप सबकी तैयारी शुरू हो चुकी होगी, और मम्मी जी पापा जी भी आज धनतेरस में इंडिया ही पहुंच जाएंगे। हाँ। तो सही है, वो वाला जो घर है वो भी वहाँ पे भी पहुंच जाएंगे, पूजा भी अच्छे से पूजा हो जाएगी, तो वो भी अच्छी बात है। बाकी चलो चलते हैं, बाकी है ना। बाकी आपको मिलते हैं एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे दिखाते हैं अपनी मस्ती। एयरपोर्ट पे मस्ती होगी या फिर रोना धोना होगा, ऑफ कोर्स जा रहे तो बहुत अलग लगता ना, तो ठीक है मिस तो करेंगे ऑफ कोर्स। चलते हैं।
अनिका की फ्रेंड मिल गई. बाय 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 बाय. फिर यहाँ पर मम्मी और हम एयरपोर्ट से मम्मी पापा जी को बाय बाय करके निकल चुके हैं. तो बहुत अजीब लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा उनको बाय बाय करके, बिकॉज 3 महीने ना सच में पता ही नहीं चला कैसे निकल गए. बहुत मजे किए, बहुत इंजॉय किया, मतलब लगा ही नहीं 3 महीने हो गए पूरे. और हमें तो बहुत याद आ गया, हमें अब घर ना बहुत खाली खाली सा लगेगा, क्योंकि पहले घर पे रहते थे तो थोड़ा हलचल रहती थी, बट अब याद आएगी. और अब मेरे ख्याल से हमें एक बार जल्दी चक्कर लगाना चाहिए, फिर वापस उनको आना चाहिए. ऐसे ही सिलसिला चलता रहे. देखो अनिका. और ये अनिका हमारी. आगे चल रही, जैसे पहले आए थे वैसे ही हम वापस जा रहे हैं. और आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा. मम्मी जी पापा जी का सफर इंडिया का बहुत अच्छा रहे. फिर आगे हमारे साथ चले गए आगे. आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. और ऐसे ही हमें प्यार दीजिए और ऐसे ही हम आपको अपनी जापान की जिंदगी अपनी दिखाते रहेंगे, हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं और क्या क्या जापान के फायदे हैं और क्या क्या नुकसान. वो तो हर कंट्री में होता है. तो धन्यवाद हमारा ब्लॉग देखने के लिए और पसंद करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय.